एजुकेशन में बच्चों स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के चैप्टर 5 मुगल साम्राज्य के सभी प्रश्न उत्तर का क्या करेंगे, आज समाधान करेंगे। जैसे कि देखिए, रिक्त स्थान पूर्ति करना है तो आप लोग को रिक्त स्थान दिया गया है, मैं यहाँ पे रिक्त स्थान नहीं छोड़ा हूँ, आप लोग के बुक में रिक्त स्थान होगा। तो देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये जो मार्क्स है 1 मार्क्स का है, तो इसका आप लोग को करना है। तो देखिए, सब सर्वप्रथम अगर हम लोग क्वेश्चन का बात करें तो लिखा हुआ है कि घाघरा के युद्ध में बाबर का प्रतिद्वंदी था। घाघरा के युद्ध में देखिए, जो बाबर का प्रतिद्वंदी था वो नुसरत खान था। तो नुसरत खान में आप लोग टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए, बेलगांव का युद्ध हुआ था। बेलगांव का युद्ध देखिए दिया गया, जैसे कि आप लोग को 1540, 1540, 1541, तो ये देखिए 1540 होगा, तो इसमें आप लोग टिक लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए, जहांगीर के शासन काल में क्या थे, मैं सिख गुरु जय सिंह अर्जुन होमू को मृत्युदंड दिया गया था। किसमें दिया गया था, अर्जुन सिंह को, तो अर्जुन में इसे लगा दीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए, जैसे कि अब घन वर्ग का बात करें, अब देखिए घन वर्ग, राजपूत शासकों में प्रताप सिंह, मान सिंह, यशवंत सिंह ने मुगल सम्राट के साथ संधि की नहीं किया था। मतलब कौन सा ऐसा जो था, जो कि क्या था, इसके साथ संधि नहीं किया था, वो प्रताप सिंह था। कौन था, प्रताप सिंह। तो आप प्रताप सिंह में टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए कि अहमदनगर के प्रधानमंत्री थे, क्या है, टोडल मल मालिक अंबर बैरम खान। तो इसका देखिए जो था, ये मालिक अंबर था, ये वहां का क्या था, प्रधानमंत्री था, इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहां पे जैसे दिया गया है, दूसरा भी हम लोग करेंगे, निम्नलिखित कथनों के साथ नीचे के, अब देखिए नीचे के व्याख्या में कौन सा व्याख्या उपयुक्त है, तो ये व्याख्या कौन सा उपयुक्त है, उसके अनुसार आप लोग को टिक लगाना है। तो देखिए हम लोग लगाएंगे टिक। देखिए, मुगलों को तैमूर के वंशज के रूप में गर्व था। देखिए किसको था, तैमूर ने भारत में मुगल शासन की स्थापना की थी, इसके लिए नहीं था। तैमूर ने कभी उत्तर भारत पर आक्रमण कर दिल्ली पर कब्जा किया था। ये देखिए, तैमूर एक साफरी शासक था। तो इसमें क्या होगा, तो ये 2 नंबर में व्याख्या क्या लग रहा है, उचित लग रहा था, 2 नंबर में आप लोग उपयुक्त कर व्याख्या उपयुक्त है, ये आप लोग कर सकते हैं, 2 नंबर हो जाएगा इसका। कितना नंबर हो जाएगा, 2 नंबर में कर दीजिएगा तो बहुत बढ़िया है, ये 2 नंबर में आप लोग टिक लगा सकते हैं, 2 नंबर में। उसका देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, ख्वा नंबर, देखिए ख्वा नंबर कि हुमायूं को एक समय भारत छोड़कर चले जाना पड़ा था। तो देखिए, वो जो था भारत जाना पड़ा था, तो वो किस लिए जाना पड़ा था, तो वो देखिए, वह अपने भाई से युद्ध हार गया था, वह शेर खान से युद्ध हार गया था, वह राणा सांगा से युद्ध हार गया। तो वो क्या हुआ था, शेर खान से युद्ध हार गया था, इसीलिए उसको क्या करना था, छोड़ के जाना पड़ा था। तो ये 2 नंबर में होगा, ये 2 नंबर में टिक लगा दीजिए। उसके बाद अब देखिए, जैसे कि आप लोग गौ नंबर देख सकते हैं, गौ नंबर में है कि महेश दास का नाम बिरबल था। अब क्या है, यहाँ पे महेश दास का नाम क्या था, बिरबल था। वो अब महेश दास का बिरबल नाम था कि नहीं था, अब देखिए पहले ऑप्शन देखेंगे हम लोग। देखिए, उनकी शारीरिक क्षमता काफी अधिक थी, वह काफी बुद्धिमान था, उसने मुगलों के खिलाफ काफी वीरता प्रदर्शन की। तो देखिए, इसमें जो दूसरा नंबर था, वो जो बिरबल थे बहुत ही क्या थे,
बहुत ही बुद्धिमान थे, तो इसमें लगा दीजिए दो नंबर में तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि कदम औरंगजेब के शासन, क्या लिखा हुआ कि औरंगजेब के शासन काल में बंगाल के समुद्र व्यापार में उन्नत हुई। देखिए समुद्र व्यापार में उन्नत हुई तो इसका देखिए उसने पुर्तगाली जल दयु को हराया था, उसने शिवाजी को हराया था, बंगाल में व्यवसाय कर माफ कर दिया था। तो देखिए जो इसमें घ नंबर में है वो क्या था, उसने पुर्तगाल को हरा दिया था, तो ये एक नंबर में हो जाएगा, एक नंबर में आप लोग टिक लगा दीजिएगा, ये बहुत सा टिक है। उसके बाद देखिए जैसे कि यहां पे दिया है कि अंगवा नंबर कदम कथन है अकबर के शासन काल में, ये देखिए गरीज, ये हो जाएगा गरीज, गरीज की पद्धति को जबती कहा जाता था। क्या क्या जबती, देखिए जबती का अर्थ फसल के मूल्य से था, और जबती का मूल्य क्या था, फसल के मूल्य से, तो ये नहीं। देखिए जावत का मतलब केवल बादशाह कर वसूल कर सकता था, जावत का अर्थ हुआ भू कर निर्धारण करना, तो ये देखिए भू कर निर्धारण करना ही था, तो ये भू कर निर्धारण करना में लगा दीजिएगा ठीक। उसके देखिए है कि संक्षिप्त प्रश्नों के, क्या बोला है कि संक्षिप्त जो प्रश्न है, संक्षिप्त प्रश्नों संक्षिप्त को 50 से 30 से कितना है, 30 से 50 में उत्तर दीजिए, 30 से 50 शब्दों में क्या करना है आपको उत्तर देना है। तो देखिए जैसे पहला है कि मुगल, ये देखिए देख लीजिए मुगल अपने को क्यों बादशाह कहते थे, क्या कारण था कि मुगल अपने को बादशाह कहते थे, उसका कहने का कारण क्या था, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए पहला जो बात है कि मुगल सार्वभौम शासन के लिए पातशाह अथवा बादशाह का शब्द प्रयोग करते हैं, दिल्ली के शासक अपने को सुल्तान कहते थे, पर मुगल सुल्तान शब्द युवराजों के लिए, देखिए आप सुल्तान कहते थे और ये युवराजों के लिए प्रयोग किया जाता था, जैसे जहांगीर का नाम था सलीम, जब वे युवराज हुए तब उन्हें सुल्तान सलीम कहा जाता था। बादशाह उपाधि प्रयोग करके मुगल बताना चाहते थे कि उसने शासन करने की क्षमता, उसमें क्या है शासन करने, उसमें उसे शासन करने की क्षमता है, इसलिए दूसरों के प्रति क्या था उसमें जो के अनुमोदन पर निर्भर नहीं थे, वो दूसरों के अनुमोदन पर निर्भर नहीं थे। उसके बाद देखिए है कि ये देखिए जैसे देख सकते हैं हुमायूं अफगानों से क्यों हार गए, हुमायूं क्या कारण था जो अफगानों से, देखिए उत्तर मुगल के विरोधी हमेशा एकजुट थे, मुगल का जो विरोधी जो था ना वो हमेशा एकजुट था, मुगलों को दो प्रधान विरोधी शक्ति एक तो राजपूत और दूसरा और क्या था अफगान में विरोध था उनमें। देखिए उनमें बिहार के अफगान के नेता शेर खान हुमायूं का क्या था सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी था, इसलिए हुमायूं लगातार 2 बार शेर खान से पराजित हुए, इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसे लिख दिया है तो इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए है देखिए देख सकते हैं आप लोग औरंगजेब के शासन काल में क्यों मुगलों के अभिजात वर्ग के बीच खिंचाव बढ़ गई थी, तो इसका कारण था औरंगजेब के शासन काल में दक्षिण के बीजपुर और गोलकुंड बड़ी कठिनाई से मुगल के अधीन आए, फलतः मराठा जो थे मराठा और दक्षिण मुसलमान अभिजात लोगों ने मुसलमान शासन में योग दिया तो जोड़ दिया था कि चलो ठीक है अच्छा चला रहे हैं आप लोग, तो परिणाम स्वरूप मानसबदारी व्यवस्था में विचित्र बढ़ गई थी, विचित्रता बढ़ गया था, अब विचित्रता क्या हो गया तो बढ़ गई थी, लेकिन उसके साथ देखिए उसके बाद है कि सात मानसब प्राप्त करने के लिए अभिजात के बीच रस्साकसी शुरू हुई, कृषि व्यवस्था में समस्या दिखाई दे रही थी, इसीलिए क्या वो इतना लिख दिया तो हो जाएगा। देखिए उलद ई एल क्या है, ये देखिए ये इसका सटीक आंसर नहीं मिला है, फिर भी देखिए इससे मिलता जुलता जो है आंसर मैंने लिखा है, इसलिए आपको पहले बता दिया। देखिए सबके प्रति सहनशील एवं सबके शक्ति
के इस पद को सुलह ए कुल खाते थे। इस आदत के आधार पर अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना की जिन्हें दीन ए इलाही कह देता। हम देखिए दीन के इलाही कह दे दिया है, ये वाला आंसर नहीं मिला है। उसके बाद देखिए यहाँ है कि मुगलों के प्रशासन में सूबा का परिचय दो, सूबा जो था उसका परिचय देना है। तो देखिए ऐसे आप लोग लिख सकते हैं सूबा के बारे में। तो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का शासनकाल युद्ध में विद्रोह में बीता था। प्रशासन की तरफ से वे उस तरह से ध्यान नहीं दे पाए। मुगल शासन के दौरान अफगान शासिर शाह की प्रशासन व्यवस्था देखिए व्यवस्था सुव्यवस्था थी, जिसकी प्रवर्ती काल में अकबर ने अधिकांश अनुसरण किया। अकबर ने अपने साम्राज्य को कई देशों में बांट दिया, कई देशों में क्या दिया क्या था बांट दिया था। तो इतना देखिए प्रदेश को सूबा कहा जाता था। अब देखिए चार नंबर जो ये है उसके बाद देखिए चार नंबर का कि उत्तर दीजिए पूर्णतः पांच मार्क्स का है ये। पानीपत के प्रथम युद्ध, खानवा के युद्ध और घाघरा के युद्ध की तुलना करें। पानीपत के प्रथम युद्ध में यदि विजय ना होता तो उत्तर भारत पर क्या होता। तो ये देखिए इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं, मैंने देखिए लिख दिया है ये पहले पानीपत का। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर के अफगान शक्ति को पराजित किया। अफगानों के अलावा भी इस युद्ध में भारत एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल था। राजपूतों का राजपूत शक्ति भी बाबर से पराजित हुई। परवर्ती काल में राजपूत मुगलों के अनुगामी बन गया, उसी के अनुसार चलने लगे। उसके बाद देखिए खानवा का युद्ध। मेवाड़ के राजा सांगा सिंह राणा सिंह राजपूत के नेता थे। युद्ध शुरू होने के पहले बाबर ने मुगलों से युद्ध से कहा कि योद्धाओं से योद्धा जो था उनसे कहा था, देखिए क्या कहा था। देखिए यह युद्ध उनके धर्म की जंग है, वे धर्म योद्धा या गाजी हैं। दरअसल इस उन्होंने सभी को एकजुट करने की चेष्टा की। वह उत्तर भारत के से बाबर को हटाने के लिए कुछ मुसलमान शासकों ने राजपूत का को सहयोग दिया। इसके अलावा इस युद्ध में धर्म युद्ध नहीं था, क्या था धर्म युद्ध नहीं था। घाघरा का युद्ध में उसके बारे में लिखना है। देखिए घाघरा का युद्ध अफगानों के विरुद्ध बाबर ने यह युद्ध किया। अफगानों को सहयोग दिया बंगाल के शासक नुसरत शाह ने। इस युद्ध में विजयी होने के बावजूद भी बाबर बिहार पर पूरा अधिकार नहीं कर पाया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है कि आप लोग देख सकते हैं कि शेरशाह के प्रशासन में कौन कौन सी मानवतावादी बातों का परिचय मिलता है, लिखो मतलब कौन कौन वादी बातों का परिचय मिलता है उसको लिखना है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे पहला देख सकते हैं आप लोग, शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था और जनकल्याण कार्यों के साथ। देखिए यहाँ पे है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और सम्राट अकबर की शासन व्यवस्था में बहुत मेल था। अब क्या था, बहुत मेल था। शासन परिचालन और राजस्व व्यवस्था में शेरशाह ने कुछ सुधार किया। देखिए पहला सुधार क्या था कि शेरशाह कृषि को पट्टे देते थे, कृषक को क्या करते, कृषकों को पट्टे देते। इस पट्टे में कृषक का नाम, भूमि पर कृषक का जो था, कृषक का अधिकार कितना, राजस्व देना होगा, प्रभुत्व लिखा होता था। इसके बदले में कृषक राजस्व देना होता था कबूल कर कबूलियत नाम से एक दूसरा दलील राष्ट्र को देता था, देते थे, इतना लिख दिया। तो उसके बाद दूसरा देखिए जो क्या था महत्वपूर्ण कार्य क्या था, ये देखिए यातायात व्यवस्था की उन्नति के लिए शेरशाह ने सड़क बनवाया। उन्होंने बंगाल से सोनागांव से उत्तर पश्चिम सीमांत में पेशावर तक एक विस्तृत सड़क का निर्माण कराया। रास्ता का नाम भी सरके आजम रखा, क्या रखा था, रास्ता का नाम सरके आजम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सरके आजम का निर्माण किसने करवाया था, आपको याद रहेगा शेरशाह ने करवाया था। यही रास्ता प्रवर्ती काल में, यही रास्ता जो था प्रवर्ती काल में, ये देखिए ग्रैंड ट्रैक रोड के नाम से विख्यात हुआ। पथिक अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए रास्ता के किनारे सरायों का निर्माण कराया था। शेरशाह ने घोड़े के माध्यम से डाक व्यवस्था की उन्नति का प्रयास किया। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण काम इन्होंने किया था। उसके बाद देखिए है कि देखिए
अब मुगलों की राजपूत नीति में क्या क्या समानता और असमानता थी, विशेषकर समानता। पहले देखिए 16वीं शताब्दी के मध्यकालीन समय के बाद कई राजपूत शासकों ने मुगल सम्राट के साथ घनिष्ठ संबंध बनाया और विभिन्न क्षमताओं से उनकी सेवा की। उसका देखिए है कि राजपूत रईसों से अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए मुगल बादशाह और उसके राजकुमारों से अपनी बेटियों की शादी करवाई थी। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत परिवार ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध में हमें नहीं जुड़े जुड़ने को सम्मान की बात बना दी और इस तरह से वे अन्य सभी राजपूतों से विपरीत खड़े रहे। राजपूतों के साथ अकबर के संबंध तब शुरू हुए जब 1561 ईस्वी में आगरा के पश्चिम में सिकड़ी से चिश्ती सूफी शेख की यात्रा से लौटा था। तभी बहुत राजपूत राजकुमारियों ने अकबरों से शादी रचाई। अब देखिए असमानता क्या थी, इसमें असमानता क्या क्या थी। तो पहला देखिए असमानता जो थी, पहला असमानता देखिए कि अकबर की नीति की वजह से मुगलों से वीर योद्धा के साथ पाया राजपूतों को भी अपने क्षेत्र से बाहर समग्र मुगल साम्राज्य से गर्व करने और वीरता दिखाने का मौका मिला। अब देखिए मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेने के अधीनता स्वीकार कर लेते थे उसके बाद क्या होता था, कारणों से अपने क्षेत्रों पर अधिकार कायम रख पाते थे, पर किसी राजपूत राज्यों में उत्तराधिकारी को लंबे संघर्ष होने पर मुगल उस राज्य को सामरिक रूप से पूरी तरह अपने हाथ में ले लेते थे। इसके बाद मुगल बादशाह इच्छा अनुसार तथा शासक गद्दी पर बैठता था, इच्छा अनुसार बैठता था, जैसे कि राजपूत ऐसा नहीं करते थे। उसके बाद देखिए दक्षिण के आक्रमण का मुगल शासन पर क्या प्रभाव, दक्षिण के आक्रमण का मुगल शासन पर क्या प्रभाव पड़ा था ये लिखना है। तो देखिए दक्षिण के शासन का मुगल सम्राट पर क्या आसमान किया था शासन पर, तो भारत आने के पहले की बात, अकबर ने शासन काल में एक तरफ जब उत्तर भारत मुगल क्रमशः शक्तिशाली हो रहे थे, वहीं दक्षिण में तब देखिए सुल्तानी राज्य एक दूसरे से लड़ रहे थे। याद विजयनगर के परिचय के बाद सुल्तानी राज्यों से समय विस्तार करने के बहुत मौके थे। ठीक है, उस समय से दक्षिण में बड़े बड़े जमीन के मालिक मराठे सरदार और सैनिक बहुत महत्वपूर्ण हो उठे थे। दक्षिण के सुल्तानी राज्यों में पुराने अभिजात और बाहर से आए नए अभिजात के बीच संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं थे। इस बीच भारत के पश्चिम उपकूल में पुर्तगालियों ने पांव रखे थे। उसका देखिए यहाँ से आप लोग आगे देख सकते हैं, इस स्थिति में मुगल ने दक्षिण में प्रभाव बढ़ाने की सोची। दक्षिण था दिल्ली और आगरा से बहुत दूर। अकबर ने समझता था कि दक्षिण के राजपूत भी दूसरे राजपूतों की तरह मुगलों से मित्रता कर लेंगे, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दक्षिण के राज, देखिए अब क्या हुआ था, थे बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बड़ार, विदर्भ, खान देश 1596 में से 12 क्या है 96 से 12 ईस्वी तक मुगलों ने बराबर बरार, विदर्भ और खान देश को जीता। मराठा शक्ति का महत्व नहीं समझ पाए थे, उन्होंने उन्हें अपने तरफ मिलाने की कोशिश की। अकबर के समय दक्षिण में मुगलों कि जो स्थिति थी जहांगीर ने उसको कायम रखने की कोशिश की। 1336 ईस्वी में अहमदनगर राज्य मुगलों के अधीन हुआ। अब देखिए इतना अधीन हो गया था, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि मुगल सम्राट को कि क्या क्या कोई उत्तराधिकारी नीति थी, उत्तराधिकारी के मामले में यहाँ ने हो गया ने कैसे उसने शासन को प्रभावित किया, मामले में कैसे शासन, बाबर के साथ उनके सामरिक अभिजात्य का परिवार और वंशगत सहयोग था, शासन वर्ग के साथ अभिजात्य वर्गों का यह योग मुगल शासन की अंत विशेषता थी। बाबर के पुत्र हुमायूं ने शासन में ये लोग मगर बहुत हद तक टूट चुका था।
उसके बुरे वक्त में उसके भाई ने भी उसकी सहायता नहीं की। देखिए तैमूर नीति के अनुसार उत्तर सूर्याइयों में जो अंचल के बंटवारे की प्रथा थी हुमायूं ने नहीं मानी। बाबर ने भी शासक के दौरान पर हुमायूं को ही नियुक्त किया। सीधे शासन का दायित्व ना प्राप्त करने के कारण भी कारण वे भी साम्राज्य रक्षा करने के तक कीद अनुभव नहीं की। इसलिए अंततः एकजुट होने पर भी अफगानों के विरुद्ध मुगल विजय नहीं प्राप्त कर सका। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा आप लोग।